हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लतिका, आपने बताया कि गेल को हम अपनी फैंटेसी टीम में लें क्योंकि गेल हैं तो चमत्कार होना तय है, और हम देख रहे हैं कि पंजाब कितने अच्छे मैचेस आजकल खेल रही है और हर मुकाबला एंड तक रोमांचक रहता है, लास्ट ओवर तक। बिल्कुल, गेल का ग्राउंड पे रहना ही दूसरी टीम के लिए एक प्रेशर रहता है क्योंकि गेल ऐसे प्लेयर हैं, अगर 5 ओवर भी खेल गए ना शिफाली तो दूसरी टीम का काम खराब करके चले जाते हैं, इसीलिए ये प्लेयर बहुत बड़ा है। और जैसा मैंने बताया था कि केकेआर में अगर बॉलर्स चले सुनील नारायण या चक्रवर्ती, वो थोड़ा दिक्कत दे सकते हैं किंग्स इलेवन के बल्लेबाजों को। बिल्कुल नेहा, आप कैसे काउंटर करेंगी कोलकाता की अगर हम बात करें? बिल्कुल, कोलकाता की मैं कहूंगी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन अभी लास्ट मैच में रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी वापसी कर रही है टीम। तो अगर बात करें कोलकाता की तो सुनील नारायण पर काफी टीम निर्भर करेगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रसल अभी तक फिट हो पाए हैं टीम के लिए, तो मुझे लग रहा है कि सुनील नारायण और नीतीश राणा पे आज फिर से जिम्मेदारी आने वाली है कोलकाता। नेहा एक तरीके से कह रही है कि आज केकेआर का पलड़ा भारी है पंजाब पर। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर।